हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं थॉमस ग्रे की लिखी एक एलिजी जिसका नाम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, उसके एमसीक्यूज लेकर आया हूं। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थॉमस ग्रे वॉज बॉर्न इन, थॉमस ग्रे का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1716। थॉमस ग्रे का जन्म 1716 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड। थॉमस ग्रे डाइड इन, थॉमस ग्रे की मृत्यु हुई थी। एंड द राइट आंसर ऑप्शन बी, 1771। थॉमस ग्रे की मृत्यु 1771 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। वेयर वॉज द पोएट व्हेन ही कंपोज द एलिजी, जब कवि ने इस एलिजी को कंपोज किया उस समय कवि कहाँ पर थे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इन द कंट्री चर्चयार्ड, यानी जब इस पोयम को कवि ने इसकी रचना की उस समय जो थॉमस ग्रे थे वो कंट्री चर्चयार्ड में मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर फोर। इन विच ईयर एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वॉज पब्लिश्ड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1751, यानी एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751 में पब्लिश्ड हुई थी। क्वेश्चन नंबर फाइव। हाउ मैनी स्टेंजास आर इन एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में कितने स्टेंजास हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 32, यानी 32 स्टेंजास एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स। एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज रिटन अबाउट, ये जो एलिजी है वो किसके बारे में लिखी गई है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पुअर डेड विलेजर्स, यानी ये जो एलिजी है वो पुअर डेड विलेजर्स के ऊपर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर सेवन। इन हिज एलिजी थॉमस ग्रे मॉर्न्स, मॉर्न मतलब बिलाप करना, ओवर द डेथ ऑफ, किसकी मौत के ऊपर बिलाप करते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेड विलेजर्स, तो जो थॉमस ग्रे हैं डेड विलेजर्स की मौत के ऊपर बिलाप करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट। व्हाट डज द कर्फ्यू टूल्स फॉर इन थॉमस ग्रे एलिजी, थॉमस ग्रे की एलिजी में द कर्फ्यू टूल्स फॉर का क्या मतलब है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑन द पार्टिंग डे, यानी दिन का समाप्त होना, कर्फ्यू टूल्स का मतलब ऑन द पार्टिंग डे, दिन का समाप्त होना। क्वेश्चन नंबर नाइन। इन थॉमस ग्रेज एलिजी द इनएबिटेबल आवर रिफर्स टू, थॉमस ग्रे की एलिजी में इनएबिटेबल आवर्स किसको रेफर किया जाता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आवर ऑफ डेथ, यानी मौत के पल। क्वेश्चन नंबर टेन। इन ग्रेज एलिजी द वर्ड मेंशन मीन, ग्रे की एलिजी में ये जो वर्ड है जिसका नाम मेंशन है उसका क्या मतलब है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ह्यूमन बॉडी, यानी मेंशन का जो मतलब होता है वो ह्यूमन बॉडी से होता है। क्वेश्चन नंबर 11। विच मीटर इज यूज्ड इन थॉमस ग्रेज एलिजी, थॉमस ग्रे की एलिजी में किस मीटर का यूज किया गया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इयाम्बिक पेंटामीटर, यानी थॉमस ग्रे की एलिजी में इयाम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ। क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मैनी लाइन्स आर इन एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में कितनी लाइन्स हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 128 लाइन्स, यानी एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में टोटल 128 लाइन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विच एमोंग द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशनल पोएट, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन ऐसा पोएट है जो ट्रांजिशनल पोएट है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, थॉमस ग्रे, यानी थॉमस ग्रे एक ट्रांजिशनल पोएट हैं, परिवर्तन काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 14। थॉमस ग्रे बिलोंग्स टू, थॉमस ग्रे बिलोंग करते हैं
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 18th सेंचुरी, यानी थॉमस ग्रे 18वीं सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डिड थॉमस ग्रे स्टार्ट एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे ने इस एलिजी को कब स्टार्ट किया था। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1742, 1742 में एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को थॉमस ग्रे ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड थॉमस ग्रे कंप्लीटेड एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे ने एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को कब कंप्लीट कर लिया था। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1750, 1750 में ये जो पोयम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वो थॉमस ग्रे के द्वारा कंप्लीट कर ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, नेम ऑफ द स्टेंजा फॉर्म यूज इन थॉमस ग्रेज एलिजी। उस स्टेंजा का नाम बताना है जो थॉमस ग्रे ने इस एलिजी में प्रयोग किया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हीरोइक क्वाट्रेंस, यानी हीरोइक क्वाट्रेंस का थॉमस ग्रे की एलिजी में यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ थॉमस ग्रेज एलिजी, यानी थॉमस ग्रे की एलिजी की राइमिंग स्कीम क्या है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ए बी ए बी, यानी ए बी ए बी थॉमस ग्रे की एलिजी की राइमिंग स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 19, थॉमस ग्रेज एलिजी पॉइंट्स आउट द डैश ऑफ वैल्यू। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मीनिंगलेसनेस। तो दोस्तों, ये थे आपके थॉमस ग्रे की पोयम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड के ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत जल्दी इस वीडियो का मैं पार्ट सेकंड लेकर आऊँगा, ताकि एग्ज़ाम के पहले आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कवर करा सकूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।